हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पेन है एल मीटर और उस पर एक डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो हम यहाँ पर एल को 6 मीटर कंसिडर कर लेते हैं और डब्ल्यू को 10 किलो न्यूटन। तो आप भी देख रहे हो, जब भी इस कैंटिलीवर का इसकी सिचुएशन, अगर आप कॉर्नर पे इसके लोड लगाओगे तो इसका एसएफडी इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसका बीएमडी आएगा। तो रेक्टेंगल शेप में इसका एसएफडी है और ट्रायंगल शेप में बीएमडी है। तो लाइए हम चेक करते हैं इसे स्टैट प्रो में कि इसका एसएफडी और बीएमडी किस तरीके से आता है। ओके, नाउ स्टैट में आई एम, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन स्पेस और यहाँ पे हमने दे दिया एक नाम बीम। उसके बाद यहाँ से लोकेशन है, आप कहीं भी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे अगर कहीं भी आपने डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर बनाए, आप उसके में फाइल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेंथ और फोर्स की यूनिट है, लेंथ यूनिट आप फुट इंच मिलीमीटर, क्योंकि आपका मीटर में है लेंथ तो हमने मीटर ले लिया। फोर्स आपका किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन, अगर फोर्स न्यूटन होता या किलो पाउंड होता तो आप क्लिक कर सकते थे आप। तो हमने यहाँ पे यूनिट मीटर और किलो न्यूटन ली, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश कर दी। फिनिश होने के बाद हमारे पास ये ग्रिड आ गई। तो हमने क्या किया, क्लिक ऑन जीरो किया, क्लिक ऑन सिक्स कर दिया हमने। सिक्स के बाद ये ग्रिड स्नैप नोड बीम का आइकन है, यहाँ से आप ग्रिड हाइड कर सकते हो। ग्रिड हाइड कर दिया, क्लिक ऑन जनरल, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमने जनरल के बाद प्रॉपर्टी, और इस पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी 450 बाई 250, यानी कि हमने जो सेक्शन कंसिडर किया है 0.25, 0.45 बाई 0.25, ये जो है हमारी विड्थ है और ये डेप्थ है। तो हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया कि भाई इस बीम का जो सेक्शन है वो 450 बाई 250 mm का है, क्योंकि यहाँ मीटर है तो हमने 0.45, 0.25 दे दिया। क्लिक ऑन एड, क्लिक ऑन क्लोज, असाइन टू व्यू, असाइन यस कर दिया। तो आप ये देखोगे ये इस पर प्रॉपर्टी असाइन हो गई। अगर इसको आपको रेंडर व्यू में देखना है तो यहाँ पे रेंडर व्यू है, तो रेंडर व्यू में आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी इससे असाइन है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद क्लिक ऑन सपोर्ट, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन ऐड, और सपोर्ट आपने को क्योंकि एक नोड पर असाइन करनी है, क्योंकि कैंटिलीवर बनाना है, तो जस्ट इस नोड को सेलेक्ट कीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कमांड है असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस कर दिया, तो ये इसी पर फिक्स हो गया। उसके बाद सपोर्ट का लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, क्लिक ऑन ऐड, ऐड करने बाद टाइप डेड लोड, और यहाँ से आपने एक डेड लोड लिख दिया यहाँ पर, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज कर दिया। अब इस पर जो है वो पॉइंट लोड आ रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन का जो है इस पर पॉइंट लोड आ रहा है जो कि कॉर्नर पर लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू को 10 किलो न्यूटन कंसिडर किया यहाँ पर हमने, तो हम यहाँ पर डेड लोड में जाते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ मेंबर लोड है, मेंबर लोड के बाद है कंसंट्रेटेड फोर्स। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी -10। -10 क्यों दी है, क्योंकि वाई हमारा अपवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स लगना है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो माइनस हमने यहाँ दिया। माइनस इज अ साइन ऑफ ओनली डायरेक्शन हियर। क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज, असाइन टू व्यू, असाइन यस कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट होगा क्या, मिड पे लगेगा, क्योंकि हमें लगाना है इस कॉर्नर पे, तो इसकी लेंथ हमारी है 6 मीटर। अगर आपको लेंथ देखनी है तो यहाँ से आप डिस्प्ले नोड टू नोड में जाओ, तो यहाँ से आप लेंथ दे सकते हो। अगर इसको रिमूव करना है, यहाँ डिस्प्ले, यहाँ पे लिखा है रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्प्ले डिस्टेंस, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। नाउ अब इसको एडिट करो। एक चीज देखो, यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आ रहा है आपका ग्रीन, एक आ रहा है ब्लू। तो ग्रीन जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपका ब्लू जो है वो एंड पॉइंट है। तो D1 जो डिस्टेंस होती है यहाँ पर जहाँ एडिट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है D1, ये स्टार्टिंग पॉइंट से है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने 6 मीटर डाल दिया, तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर यहाँ पे लग जाएगा लोड। तो यहाँ पे आज लोड लग गया। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट V प्रेस करोगे तो लोड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। शिफ्ट V प्रेस करने पर लोड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, और शिफ्ट B प्रेस करोगे तो नंबर ऑफ बीम डिस्प्ले हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ बीम है स्ट्रक्चर में। और शिफ्ट N प्रेस करोगे तो यहाँ पे नोड डिस्प्ले हो जाएगा, या 1, 2 नोड है, 1 मेंबर है, लोड की वैल्यू है शिफ्ट V से। और शिफ्ट V प्रेस करोगे फिर से वो लोड हाइड हो जाएगा, शिफ्ट B प्रेस करोगे तो बीम हाइड हो जाएगा, ये बीम हाइड हो गया, और शिफ्ट N प्रेस करोगे तो नोड हाइड हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन एनालाइज एंड प्रिंट, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज, रन एनालाइज, रन एंड सेव, गो टू प्रोसेसिंग मोड, डन, ओके, बीम ग्राफ। तो आप ये देखोगे ये इसका बेंडिंग मोमेंट आ गया, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम आ